हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं चांदनी, मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज बना रही हूँ मैदा का सूजी स्टफिंग वाली गुजिया। गुजिया बनाने के लिए हमने 1.5 कप मैदा लिए हैं। हम इसी गमले में छान लिए थे पहले। मोइन के लिए हम लिए हैं 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, या फिर आप घी भी ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा डालकर हम इसे अच्छे से मोइन करेंगे। आप सभी को हरियाली तीज विश्वकर्मा पूजा का बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये रेसिपी हमने तीज के लिए ही बना रहे हैं। हरियाली तीज 2 दिन में है और कल विश्वकर्मा पूजा है, तो इसलिए हम बना रहे हैं। आप दोनों में बना सकते हैं ये रेसिपी। हल्की सी बनने लगी है, थोड़ा सा और डालकर अच्छे से मोइन कर लेते हैं, इतना कि अच्छे से ये बन पाए। गुजिया की आटा के लिए कोई मैदा में सोडा की ज़रूरत नहीं है, बस यही मोइन काफ़ी है। देख सकते हैं हमने इतना इसे मोइन कर लिए हैं कि मैदा का कलर भी चेंज हो गया है और इसमें इस तरह का बनने लगे हैं। अच्छी थिकनेस आ गई है, बोले तो अच्छा हो गया है, आटा भारी हो गया है। तो अब हम इसे गूंथ लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर थोड़ा सा सख्त डो ही लगाएंगे। देख सकते हैं आसानी से इस तरह से बन रहा है। तब हम हल्का हल्का पानी डालकर गूंथेंगे। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालें, नहीं तो आटा लूज हो जाएगा, फिर अच्छी गुजिया नहीं बन पाएगी। इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी आटा लगाकर हल्का हल्का पानी डालकर इस तरह से डो को इकट्ठा होने देंगे। आटा हमारा इस तरह की कंसिस्टेंसी में रेडी है, ना हार्ड है ना सॉफ्ट है। इसे हम ढककर रख देंगे। तेल हमने सारा नहीं डाले हैं, कुछ ही डाले हैं। देख सकते हैं लगभग 3 टेबल स्पून के करीब हम इसमें तेल डाले हैं। इसे कवर करके साइड कर लेंगे। आटा कवर करके हम पैन ले लिए हैं, पैन चढ़ाकर गैस ऑन कर लिए हैं। पैन हमारा गर्म हो गया है, तो 1 चम्मच घी डालेंगे। घी मेल्ट हो गया है तो हम इसी में 1/2 कप रवा लेंगे। बारीक रवा है, इसे अच्छे से देख ले, छान ले, उसके बाद ही भुने। इसे थोड़ी सी खुशबू आने तक भूनेंगे, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, हल्का सा रोस्ट करना है। इस तरह से अच्छी रोस्ट हो गई है, भीनी भीनी खुशबू आने लगी है, थोड़ी सी हल्की सी कलर भी चेंज हो गई है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए हमने निकाल ली है। यहाँ भी थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। 1/2 कप हमने ड्राई फ्रूट को कट करके रख लिए थे, अंजीर, काजू, किशमिश, बादाम, थोड़ी सी ड्राई नारियल, जो भी ड्राई फ्रूट था मैंने इसमें डाल दिए हैं। और ये फ्रेश नारियल को ग्रेट करके छिलका, जो ब्राउन पार्ट वाली छिलका होती है ना, उसे हमने पहले छील लिए थे ग्रेटर से, उसके बाद छिलका उतार कर उसे ग्रेट कर लिए हैं। इसे अच्छी सुनहरा होने तक भून लेंगे। इसे रोस्ट करते हुए 5 मिनट हो गया है तकरीबन। काफ़ी हद तक ये भुन गया है, फ्रेश हो गया है। देख सकते हैं इस तरह से एक दूसरे में चिपक नहीं रहा है। तो हम यहाँ पर गैस को ऑफ कर लेंगे और थोड़ी देर तक इसी तरह से चलाते हुए रहेंगे। गैस बंद है, अच्छे से भुन गया है। तो हम सेम प्लेट लेंगे, थाली, और इसे में निकाल लेंगे। यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, पीसी हुई चीनी 4 टेबल स्पून, 1, 2, ये गया 3, 4। यहीं पर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, है तो डालिए वरना स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं है। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों से। गर्मा गर्म है, थोड़ा आराम से या फिर ठंडा करके कीजिए।
हमारी स्टफिंग रेडी है। इसे हमने साइड में लेकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारी किचन बहुत ज़्यादा छोटी है, इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाते हैं। मैं रेंट के रूम में रहती हूँ, इसलिए हमारी किचन बहुत ज़्यादा छोटी है, तो इसके लिए सॉरी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाती हूँ। अच्छे से इसे हम मिक्स कर लिया है। हम आटा चेक कर लेंगे, आटा हमारा कैसा है। आटा हमारी अच्छी सॉफ्ट हो गई है, देख सकते हैं। इस तरह से हम छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे ऐसा, जैसे कचौड़ी बनाते हैं ना, रेगुलर घर में कचौड़ी बनाते हैं, सेम उतना ही बड़ा इस तरह से तोड़ लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं, इतनी छोटी नींबू के साइज में। एक लोई को इस तरह से चिकना करेंगे। अब हम इस तरह से इसे बेल लेंगे, बिना आटा के ही बेलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर नहीं बेल पा रहे हैं तो सूखा आटा लगा ले, सूखा मैदा, ऐसे भी बेल पाता है ये। थोड़ी सी कसरत करनी पड़ती है, लेकिन बिना आटा का ये बेल गया, अच्छी रोटी बन गई। एक चम्मच से हम एक चम्मच स्टफिंग डालेंगे, इस तरह से ज्वाइन करते हुए लास्ट तक चले जाएंगे। ये हो गया। अब इसे हम इस तरह से गूंथ लेंगे, हल्के हल्के हाथों से इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। इस साइड से उठाएंगे और इधर इस तरह से बैठा देंगे, नाखून से चिपटा करते जाएंगे। अगर आपके पास मोल्ड है, गुजिया का मोल्ड, तो उसमें आप अच्छे से बना सकते हैं। ये भी कोई बुरा नहीं बना है, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा बना है हमारे गुजिया। साइड में रख लेंगे। दूसरे लोई को चिकना करेंगे। इसे भी थोड़ा सा एनर्जी खर्च करके बेलेंगे, बिना आटा लगाए तो बिना आटा लगाए बहुत अच्छी बनती है। ये भी हमारा रोटी बेलकर रेडी हो गया। तो हम इसमें पानी लगाएंगे ताकि ज़्यादा चिपकाने की मेहनत ना करना पड़े और खुलेगा पक्का नहीं। हलवाई लोग ऐसा ही करते हैं, पानी लगाते हैं ताकि वो खुल नहीं पाता है, अच्छे से सील हो जाता है। और इस तरह से किनारे से पकड़कर फोल्ड करते जाएंगे, इजली सील हो जाएगा। एक हमने बिना पानी के दिखाए हैं, ये पानी लगा कर दिखाए हैं। इस तरह से गूंथते जाएंगे, अच्छी सी डिज़ाइन बनती जा रही है। अगर अच्छी नहीं बने तो हंसिएगा नहीं, कहिएगा कि आपका ये अच्छा नहीं बना, हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएंगे। ये हम तीसरी रोटी बेल रहे हैं। ये हम काटा चम्मच से इसका डिज़ाइन बनाने वाले हैं। पूरी को हम बेल कर इस तरह से किनारों में चारों तरफ पानी लगा लेंगे, हल्का हल्का इस तरह से पानी लगा लेंगे। एक चम्मच स्टफिंग लेंगे, सेम प्रोसेस इसे फोल्ड करेंगे। ये हो गया हमारा फोल्ड। अब जो हम नाखून से गूंथते हैं ना उंगलियों से, वो गूंथ करना है आपको, बिल्कुल आसान काम हो गया। ये एक काटा चम्मच लेंगे और इस तरह से डिजाइन बनाते चले जाएंगे। परफेक्ट, ये देखिए कितनी सुंदर डिजाइन बन गई। ये भी हम यहाँ पर डाल लेंगे। ये मैं तीसरी तरीका बता रही हूँ, ये
लोई ली हूँ मैंने, मीडियम चपाती के लिए लेते हैं ना डो उतना बड़ा। ये हमने मीडियम रोटी जैसा बेल लिए हैं, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। कोई सा भी सामान लेंगे इस तरह से बीचों बीच थोड़ा सा दबा लेंगे। ऐसा नहीं कि चाकू से जो दबने वाला होगा उस चीज़ से दबाइए ताकि ये वाला सील हो जाए। फिर इसे खोलेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे इधर कहीं खुला तो नहीं है। फिर इसमें हल्का सा स्टफिंग भरेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी लगाएंगे चारों किनारों में। इस तरह से पकड़ के इसे फोल्ड कर लेंगे, जैसे हमने गुजिया बनाया है उस तरह से इसे गूंथ भी सकते हैं या फिर फॉक से इस तरह से डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ये देखिए दूसरे वाला भी पार्ट ले लेंगे, इसमें भी स्टफ कर लेंगे, थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और इसे भी इस तरह से सील कर लेंगे। और इसे चाहे तो इस तरह से गूंथ भी सकते हैं। यह हो गया हमारा यूनिक डिजाइन समोसा जैसे। इतने सारे हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये मिनी गुजिया हमने बनाए हैं, ये थोड़ा मीडियम है। चलिए इसे फ्राई करना शुरू करते हैं। गैस हमने ऑन कर लिए हैं, पैन हमारा गर्म हो गया है तो रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहे तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है तो हम इस तरह से गुजिया को धीरे धीरे डाल लेंगे। ये हमने चारों नया डिजाइन बनाए थे। ये चम्मच वाली है, ये हाथ से गुथा हुआ वाला है। जितना एक बार में आ पाएगा आप डाल सकते हैं। पैन खुला मौका रहता है तो थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। थोड़ा सा पैन को इस तरह से हिला लेंगे तो ऊपर का भी भीग जाएगा तेल से। एक मिनट हो गया है डालकर, तो हम इस तरह से पलट लेंगे सभी को। साड़ी को हमने पलट लिए हैं उसे गोल्डन ब्राउन होने तक। इस तरह से पलटते पलटते कुक करेंगे जब तक कि इसका कलर ब्राउन ना हो जाए और खस्ता ना हो जाए। खस्ता होने तक इसे पकाना है। हम एक बार इसे फिर से पलट लेंगे ताकि उधर से गोल्डन हो जाए। इस तरह से फ्लेम देख सकते हैं बिल्कुल मीडियम कर लिए हैं, लो पे कर लिए हैं। जब डाले थे तब मीडियम पे था, अभी फ्लेम को हमने बिल्कुल लो पे कुक कर रही थी तभी क्रिस्पी हो पाएगा। गुजिया हमारा सारा अच्छे से सिक गया है, अच्छी कलर आ गई है। तो हम यहाँ पर फ्लेम को हाई कर लिए हैं, उसके बाद निकालेंगे ताकि इसमें एक्स्ट्रा तेल नहीं जा पाए। जब भी निकाले तो फ्लेम को हाई कर लें। ये देखिए कैसा लग रहा है, बिल्कुल हलवाई जैसा लग रहा है ना, फ्रेश। और आवाज़ सुनो बिल्कुल क्रिस्पी है। हमारा गुजिया बनकर रेडी है तो हम दूसरी बैच तल लेते हैं। जब तक वो तल रहा था तब तक हमने दूसरी बैच के लिए गुजिया बना कर रेडी कर लिए थे। सेकेंड बैच को भी हमने इस तरह से अलट पलट कर सेक लिए हैं। ये थोड़ा कम हुआ है, इसको बाद में रखे थे। इन सभी को निकाल लेंगे, जो गोल्डन ब्राउन हो गया है उसे निकाल लेंगे। ये वाले हमने बाद में रखे थे तो उसे दो मिनट के लिए और सेकने देंगे। हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। आप सभी को हरियाली तेज की बहुत बहुत मुबारक हो। ये देखिए लीजिए बनकर साड़ी गुजिया हमारी रेडी है। आप भी बनाइए हरियाली तेज विश्वकर्मा पूजा, एंजॉय कीजिए। एक बार एक तोड़कर दिखाती हूँ, देखिए किस तरह से बिल्कुल क्रिस्पी है और कितनी सुंदर है।
आप भी बनाइए और अपनी अनुभव हमारे चैनल पर बहुत ज़रूर शेयर कीजिए। आपके कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं, इसलिए आप ऐसे ही अपना प्यार दुलार बनाए रखिए, प्यारे प्यारे से कमेंट करते रहिए। थैंक यू भाई, टेक केयर, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने जीवन में व्यस्त रहिए।